महेश्वर तहसील के ग्राम पंचायत बुधरी में देवादास जी महाराज के जन्म दिवस पर सत्संग किया गया। राधास्वामी आश्रम पर सन 2007 से लगाकर आज तक अमावस्या और पूर्णिमा पर सत्संग और भंडारे का आयोजन किया जाता है। सत्संग में नशा और बुरी आदतों को छुड़वाने का संकल्प दिलाया जाता है और आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ने का प्रयास किया जाता है। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। सत्संग का रखा गया था भाई, ये सत्संग का देवादास जी महाराज की जन्म तिथि है, उस उपलक्ष्य में सत्संग रखा गया था। ये सत्संग तो करीब करीब 7 से चल रहा है, 7 में इसका उद्घाटन हुआ था, आज 7 से 21 मतलब 21 चल रहा है, 2007 से 2021 तक। सत्संग होता है, सत्संग के बाद में विनती प्रार्थना होती है, ये विनती प्रार्थना होती है, सत्संग होता है, सत्संग के बाद में लंगर होता है, भंडारा होता है। ये देखो बाबा जी की उनकी कृपा से और सब संगत का आशीर्वाद से और सबके सहयोग से कार्यक्रम होता है। आप क्या नाम लिखते हो? आप, मैं लिखता हूँ किशोर दास जी महाराज। ये हमारे संत श्री देवादास जी महाराज बुधरी के रहने वाले थे, उनका आज जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा है सत्संग का। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रखने का है कि आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, कुछ नशे में ज़्यादा रहते हैं, तो यहाँ पे नशा छुड़ाने का संकल्प दिया जाता है। जितने भी हमारे ग्राम के भाई हैं जो पिछड़े हुए हैं, जो इस चीज़ को नहीं समझते, उसको धार्मिक अध्यात्म का मार्ग दिखाया जाता है। मैं ग्राम चोली से ओम प्रकाश कौशल, मैं करीब करीब यहाँ 20 साल से आ रहा हूँ। इसके पहले मैं जाम जाता था, जाम हमारे गुरुदेव जाम वाले बाँ साहब रहते थे, उनके ही द्वारा ये संचालित हो रहा है। ये भी यहाँ पे भोजन प्रसाद है, लंगर चलता है, सारे गुरु दीक्षा वगैरह दी जाती है और इसके बारे में समझाया जाता है कि सत्संग क्या है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।